मुनव्वर फारूकी जिस वक्त लॉकअप के अंदर गए तो लॉकअप वाले ना सिर्फ उनसे काफी ज्यादा इंटिमिडेट हुए क्योंकि वो एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है, बल्कि बाहर निकलकर भी लॉकअप से बाहर आकर भी मुनव्वर की पॉपुलैरिटी में और ज्यादा एडिशन ही हुआ। लॉकअप के अंदर हम सभी ने उनको बहुत प्यार दिया, सभी का ये मानना था कि मुनव्वर वाकई ना सिर्फ एक अच्छे कंटेंडर हैं लॉकअप के लिए, बल्कि लॉकअप के अलावा भी मुनव्वर में बहुत ज़्यादा टैलेंट्स हैं। चाहे वो कॉमेडी की बात कर लो, वो सिंगिंग की बात कर लो, वो शायरी की बात कर लो, वो रैपिंग की बात कर लो, ऐसा एक टैलेंट नहीं है जो मुनव्वर के पास ना हो। जिस वक्त लॉकअप उन्होंने जीता, हर कोई सरप्राइज था, शॉक था। बट अब मैं आपको बता दूँ कि मुनव्वर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर सभी को पहले तो हैरान कर दिया था। उन्होंने सारे पोस्ट्स डिलीट कर दिए, सिर्फ 3 पोस्ट्स उन्होंने रखे अपने सोशल मीडिया पर। उसमें से एक पोस्ट जो है मुनव्वर का, वो अभी आया है, जी हाँ, 15 मिनट पहले। और उस पोस्ट में क्या है, मुनव्वर ने की है अपने अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट। मुनव्वर ने अपने करियर की शुरुआत एज अ कॉमेडियन की थी, एज अ स्टैंड अप कॉमेडी आर्टिस्ट किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि संगीत जो उनका अगेन पहला प्यार कह सकते हैं आप, वो है, उस तरफ वो जा रहे हैं, एक आर्टिस्ट बन रहे हैं। अब तक कॉमेडी आर्टिस्ट थे। मैं आपको बता दूं इस वक्त कि मुनव्वर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये पोस्ट जो है वो शेयर किया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं, इस पर लिखा है मदारी, हालांकि आपको उल्टा दिख रहा होगा, मदारी। और इसके नीचे कुछ सेक्शंस में 4 गानों के नाम हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नूर, मदारी, मलाल, कोड, तू लगे मुझे, अलग बीटी, काजल और मुमताज। 6 जून के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मुनव्वर ने बता दिया है कि 6 जून 2023 को आने वाला है मुनव्वर म्यूजिक, मुनव्वर फारूकी, मदारी। एल्बम का नाम मदारी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड वार्नर म्यूजिक जो है वो इसको लेकर आ रहे हैं, वार्नर म्यूजिक इंडिया। अब इससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि मुनव्वर ने हाल ही में पोस्ट के साथ एक स्टोरी शेयर की। अब इस स्टोरी में बहुत कुछ उन्होंने फैंस के लिए एक नोटिस लिखा है, मैं आपको बताती हूँ, वो लिखते हैं, दोस्तों आपने कभी प्यार में कमी नहीं रखी और आपका प्यार और भरोसे ने मुझे रुकने नहीं दिया। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ लोग सपने तक नहीं देखते और मैं आज सपने जी रहा हूँ। आज भी मेरे पास खास कुछ नहीं आपको देने के लिए, लेकिन बहुत सारी मेहनत, किस्मत, जिद और कला से मैं आपको एंटरटेन करता रहूँगा। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपके सामने रखने वाला हूँ, प्यार देना बाकी अल्लाह मालिक है, बिग रिवील टुडे। जैसे ही उन्होंने ये पोस्ट शेयर किया है, उसके बाद मुनव्वर ने पोस्ट डाला और अपने करियर के सबसे बड़े अनाउंसमेंट को आप सबके सामने रख दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और मुनव्वर फारूकी ने जिस तरह से मदारी को अनाउंस किया है, हैट्स ऑफ टू मुनव्वर, इस बड़ी अनाउंसमेंट पर आपकी क्या राय है, कितने एक्साइटेड हैं आप, हमें ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में।